हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से ऑयल में खाना पकाना चाहिए एवं खाने को कैसे पकाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। हम सभी के दिमाग में अक्सर एक प्रश्न तो जरूर रहता है कि खाना कौन से ऑयल में पकाएं और किसी ऑयल को हम चुन रहे हैं तो आखिर क्यों। अब इस बात को समझने के लिए ऑयल से जुड़ी कुछ बातों को समझना जरूरी है। पहला, ऑयल में तीन तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट एवं मोनो सैचुरेटेड फैट खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, अतः ये हमारे लिए सुरक्षित एवं अच्छे होते हैं। ओमेगा फैट भी शरीर के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात, ऑयल को गर्म करने के विज्ञान को भी समझना होगा। ऑयल को अधिक गर्म करने से ऑयल में कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो कि ऐसे केमिकल का निर्माण करते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अधिक गर्म करने से ऑयल एवं खाने के विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तेज आंच में पकाने से जितने भी खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उनको लाल होते तक पकाने से केमिकल बनता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब इस प्रश्न के उत्तर को हम अच्छे से समझ सकेंगे कि कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए एवं खाना कैसे पकाना चाहिए। ऑलिव ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल कहते हैं, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नहीं बढ़ने देता, एवं ओमेगा फैट होता है जो शरीर के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट एवं विटामिन ई भी होता है। ऑलिव ऑयल जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए हमेशा इसको कम या मीडियम आंच में ही पकाएं। इससे आपके ऑयल एवं खाने में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, आपके खाने के विटामिन भी नष्ट नहीं होंगे और आपकी गैस की भी बचत होगी। अब खाना कैसे पकाएं? खाना कोशिश करें कि ढककर ही पकाएं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सब्जियां हम ढककर नहीं पकाते, पर आप कोशिश करें जो खाना हम ढककर पका सकते हैं उसे ढककर ही पकाएं। इससे आपके खाने में स्वाद बढ़ेगा, आपकी गैस की बचत भी होगी, कम ऑयल में आप खाना पका सकेंगे। हमेशा कोशिश करें कि तेज आंच में खाना ना पकाएं। हाँ, अंत में एक महत्वपूर्ण बात, आप अपना ऑयल चेंज भी करते रहें, ताकि आपके शरीर को अलग अलग तरह की पौष्टिक चीजें मिलती रहें। आप खाने में ज्यादातर ऑलिव ऑयल ही यूज करें, लेकिन साथ ही समय समय पर ऑयल चेंज करके खाना बनाना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कम ऑयल का ही यूज करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे भी इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।